हेलो ट्वेल्थ आज की क्लास में विस्टार्स बुक के चैप्टर द टाइगर किंग रिटर्न बाय कालकी के एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे हेयर इज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शंस को बहुत सिंसेयरली पढ़ें पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट करें फिर अपने आंसर से मेरे आंसर मैच करें वीडियो को पॉज कर लें डन मैच और आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ए स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड एजिटेशन जब महाराजा ने नाइन्टी नाइन टाइगर्स को मार दिया था और हंड्रेड टाइगर को लेकर वो एंसियस थे चिंतित थे तब स्टोरी में इस फ्रेज़ को यूज़ किया गया टू रीच ए फीवर पिच इट मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट की कंडीशन क्वेश्चन सेकेंड सेलेक्ट योर ऑप्शन वेरी वाइजली डन मैच योर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यहाँ थॉट वर्ड को अंडरलाइन किया गया उसका सब्सिट्यूट वर्ड हमें यहाँ फिल करना है सो थॉट मीन्स यहाँ पॉन्डर्ड से लिया गया है और पॉन्डर्ड मीन्स होता है विचार करना टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली और फॉर ए लॉन्ग टाइम टाइगर हंटिंग पर गवर्नमेंट द्वारा कौन सा एक्ट फाइल किया जाता है ऑप्शंस आर है सेलेक्ट योर ऑप्शन सेलेक्टेड मैच योर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू इसको आपको लर्न ही कर लेना है क्योंकि तो यह क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन भी आ सकता है ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते ही आंसर समा जाएगा मैच योर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए द टेन डे ओल्ड चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन इजी क्वेश्चन आगे कुछ डिफिकल्ट आएंगे डन मैचोर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टू टेल द मैनर ऑफ इज डेथ ओ तेरी फिर से जी क्वेश्चन आ गया डन मैचर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जल्दी करेंगे जल्दबाजी नहीं एक्सीडेंट हो सकता है आंसर रॉन्ग हो सकता है सिंसियरली अटैम्प करना है ओके डन मैचोर आंसर सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन येस ऑप्शन सी स्टेटमेंट फर्स्ट इज द रीज़न फॉर सेकेंड दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए पहला स्टेटमेंट जो है वही सेकेंड स्टेटमेंट के लिए रीजन बना है थोड़ा सा डिफिकल्ट है रीड दिस क्वेश्चन वेरी सिंसियरली देन आंसर यस मैच योर ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यहाँ जो ये वर्ड यूज़ किया गया है इस फैक्शन इसका मीन होता है सरप्राइज जब दस दिन का राजकुमार बोल रहा था उसे देखकर हर कोई क्या हुआ था सरप्राइज़ हुआ था अंडरस्टूड कैसे कैसे वर्ड बनाते हैं बोलने में और मीनिंग देने में प्रॉब्लम होती है थिंक री थिंक देन डिसाइड एक्सीडेंट हो सकता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी सेलेक्टेड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टू किल हंड्रेड टाइगर्स एट एनी कॉस्ट रिजॉल्व इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ रहना अपने माइंड को चेंज ना करना अंडरस्टूड देखते हैं क्या आप इसे सही कर पाते हैं यस yes. टिंग 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 डन मैच योर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ही जस्ट वॉन्टेड टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द टाइगर्स यस ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सिंसियरली पढ़ना होगा क्वेश्चन को पढ़िए चूज द इन करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपको करेक्ट नहीं इन करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना था टू हंट टाइगर्स यस जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो टाइगर्स को हंट करना चाहता था और साथ ही साथ उनको हंट करने के बाद उनके साथ फोटोग्राफ भी लेना चाहता था सिर्फ फोटोग्राफी नहीं इसलिए ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन गिल्ली तो नहीं उड़ी ना लेट्स सी क्या आपका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहता है क्या आप ऑप्शन सही से सेलेक्ट कर पाते हैं यस डन मैचोर आंसर राइट ऑप्शन इज द महाराजा इज डेड जब सर्जन्स ने महाराजा का ऑपरेशन किया था तब उन्होंने ये डायलॉग बोला था द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एंड द महाराजा इज डेड द टाइगर किंग इज द सटायर ऑन द ऑफ द पीपल जो टाइगर किंग ये स्टोरी है ये कटाक्ष किया गया है लोगों के ऑप्शन आर हेयर सेलेक्ट योर ऑप्शन आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड नाउ मैच योर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सटायर ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड स्टबनेस ऑफ द पीपल अंडरस्टूड कुछ क्वेश्चंस देखने में बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन उनको आंसर देना बहुत इजी होता है इस क्वेश्चन से डरना नहीं है कूल cool माइंड से इसको पढ़ना है समझना और अपना आंसर देना है आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड योर ऑप्शन नाउ मैच योर आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू सिंसेरली पढ़ने ना समय में आ जाएगा भाई एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है तो यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है आंसर आप डिस्क्रिप्शन से मैच कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू मुझे सेंड कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए विस्टार्ज बुक के सभी चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड एम जो कि एग्जाम में आने वाले हैं कि सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं क्लिक कर कर देख सकते हैं गॉट इट यस एंड आज की क्लास में कोई डाउट है कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट में राइट करें अगर आपके लिए फ्रूटफुल रही है लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अर्ली पर्स क्लास पर नए हैं विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करें सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन गॉड ब्लेस यू ऑल